हाँ गुल्लू, अरे कोई अता पता नहीं है जीजाजी का, बहुत टेंशन है यार। ओ, तुम चिंता मत करो, उम्मीद है मिल जाएंगे जल्द से जल्द। ना चांस ही नहीं है। दीदी तो बेचारी रोज मेन गेट पे खड़े रह के उनकी राह देखती रहती है। लेकिन मैं तो पीछे के दरवाजे से आऊंगा चुपके से। कुछ पता चले तो बताना। मुझे पता चल गया। सुन बे चोदूमल, यहाँ सीरियस बात चल रही है, हवस का नंगा नाच करना तो बाहर जाके कर। हाँ कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा गुल्लू। हाँ ओके, खुदा हाफिज। मैंने अंकल के लिए ऑबिचुरी लिखी है, पेपर में प्रिंट होगा तो ज्यादा लोग आएंगे। इन लविंग मेमोरी ऑफ माय फादर, कहाँ गए आप किसी को पता नहीं। यहाँ मम्मी की आंखें रो रो के फूज गई और आप वहाँ पता नहीं क्या क्या फुजा रहे हो। घर में रोशनी की लौ बुझ गई लेकिन आप वहाँ हवस की आग बुझा रहे हो सके तो लौट आना पर किसी लेडी बॉय से मत मरवाना। पापा जिंदा है और एकदम ठीक है। अगर पापा का आज रात तक कुछ पता नहीं चला तो मैं बैंकॉक निकल लूंगा। मैं भी वही सोच रहा था, तू और मैं चलेंगे बैंकॉक, एक एक गली छान मारेंगे और जीजाजी को लेके आएंगे। मैं भी हलूंगा, बैंकॉक से मेरा पुराना रिश्ता है। ठीक है फिर तीनों की टिकट बुक करा देता हूँ, मैं भी चलूंगा। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा नहीं है जो चारों जाके वहाँ टोमांटिनो फेस्टिवल में चिकनी लड़कियों के बदन पर टमाटर रगड़ेंगे। जीजाजी को ढूंढने जाना है, बहुत सीरियस मिशन है। मैं जरा अपनी वाली को फोन करके बता देता हूँ, नहीं तो मेरे नाम का सर्च वारंट निकाल देगी। हाँ कविता सुनो, वो मुझे आने में 2-3 दिन और लग जाएंगे। तुम्हारे लिए वो कढ़ी चावल बना के गया था, खा लिए थे? बहुत मिस कर रहा हूँ तुमको। शादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे अपने हाथ की जरूरत पड़ी। कल रात को जो फोटो भेजी थी देखी क्या? अरे कोई नेवला झाड़ी में से नहीं झांक रहा था, वो मैंने ट्रिम नहीं किया काफी दिन से। वो सब छोड़ो, मैं शाम को बैंकॉक जा रहा हूँ, वहां से तुम्हें कुछ चाहिए? मेरे होते वैसा गिफ्ट, बाय कुतिया। मामा पैकिंग करते शुरू। हाँ बेटा ज्यादा सामान पैक मत करिए, छोटा सा बैग रख ले बस। और तू फटाफट कैब बुक कर दे और तू एक जीजाजी की फोटो भी रख ले साथ में। ठीक है। और दीदी को संभालने की जिम्मेदारी तेरी। किसकी? मेरी। अपने घर जाने की जरूरत नहीं है, जो जो जरूरी सामान है वो यहाँ लेके आ जाओ। जरूरी सामान से मेरा मतलब लड़की नहीं है। अगर हमें जीजाजी पहले मिल जाते तो तेरी माँ को फोन करके बता देंगे, ठीक है? अगर हमारे जाने के बाद जीजाजी घर आ जाए तो तू तुरंत मुझे बताएगा, ठीक है? और जीजाजी अगर आपको जीजाजी मिल जाते तो आप मुझे बता देना, ठीक है? और जीजाजी अरे जीजाजी कहाँ थे? कल आने वाले थे ना? यार वो फ्लाइट मिस हो गई। फोन करके बता नहीं सकते थे? पता है घर में क्या सिचुएशन चल रही है? इसका रो रो के बुरा हाल है। ये तो नल्ला है, वो 2 दिन से अपना काम छोड़ के इधर बैठा है। दीदी तो 2 दिन से बस सावधान इंडिया के रिपीट टेलीकास्ट देख के डर रही है, 2 बार तो मुझे शक की निगाहों से देखने लगी। सुबह सुबह खड़ी रहती थी मेन गेट पे तुम्हारी राह देखते हुए, अखबार वाले को लगता था उसके लिए खड़ी है, भूतनी का शर्माते हुए पेपर डाल के जाता था। सब्सक्रिप्शन कार्ड साले का। अरे कोई जिम्मेदारी बनती नहीं बनती तुम्हारी, एक बार फोन कर देते। किया तो था, जब तुझे कॉल किया था तब मेरे फोन में बैटरी बहुत कम हो गई थी। ये गले में क्या हुआ है? और वहां कहां? हिक्की। ओ ये यार वहां के मच्छर ना बहुत खून चूसते हैं। बैंकॉक में सर मच्छर नहीं चूसते। मतलब अंकल कैसा रहा ट्रिप? अच्छा था यार, वहां की ना हवा में वो है ठरक। ना ना, हवा में काफी उत्साह है, सड़क पर काफी खुशियां हैं, फुदियां भी। क्या? अरे पापा आप जाओ ना, आराम करो ना। हाँ, आप जाओ। बेटा तेरा बाप पक्का कुछ गड़बड़ करके आया है। नहीं मामा, क्या पता सच में मॉस्किटो बाइट हो। उस हिसाब से तो तेरी मामी भी मच्छर हुई, तो क्या मैं मॉर्टिन पीऊं? आपकी लव लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मैं जब मैं हॉस्टल में रहता था तो मेरे दोस्तों के कमरे में सचिन, गांगुली, अजहरुद्दीन के पोस्टर होते थे, लेकिन तेरी मामी सिर्फ मेरे कमरे में आती थी क्योंकि मेरी दीवार पर राहुल द्रविड़ का फोटो होता था। वो समझ जाती थी पिच पे लंबा टिकेगा। तेरी भी तो लव लाइफ सही है। दूसरों की लव लाइफ में दिल मिलते हैं पर मेरी लव लाइफ में पलंग हिलते हैं। हाँ गुल्लू, पहली डेट से 25 तक है मेरी दिहाड़ी, कर लो सारे जिंगल 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 जिंगल। सेंटा मेरी क्रिसमस बच्चों, मेरी क्रिसमस। तुमने इस साल हरामी पने में PhD कर ली। ओ, ओ, ओ। आपको कैसे पता? आप तो साल में एक बार आते हो बेंच। लेकिन खबर सारी रहती है। तुमने इस साल अपने बाप से 500 बार झूठ बोला है और तुमने तो इस साल 800 बार मेकआउट किया है। क्या है? अपने हाथ के साथ ऑन एन एवरेज दिन में 2 बार हिलाता है, इतना वेला है क्या? फटाफट मांग लो जो मांगना है। तुम्हारे मोहल्ले के बच्चे मेरी बुल्ट में से पेट्रोल निकाल लेते हैं, पिछली बार भी ISBT बस लेकर जाना पड़ा था। हर बंदी को मैं चॉकलेटी बॉयज पसंद है, तो मुझे भी चॉकलेटी बॉय बना दो। मैंने इस साल बहुत झूठ बोला है ना, अब मेरे मुंह से सिर्फ सच ही निकले।
इनफैक्ट अब इस घर में सब लोग सच बोले। As you wish, see you बच्चो। अस्तला विस्तला मुर्की दे सादी। तोड़ी माँ दी जे ओ। बैंचो कहाँ है? और ये किसने रखा? मत खा बैंचो, मैं हूँ। वो बुढ़े ने मुझे सच में चॉकलेटी बॉय बना दिया। क्या? और बेटा क्या किया इतने दिन? अरे बहुत रोया है। प्रिया को घर लाता था, सब लोग के सो जाने के बाद उसको चुपके से पीछे के दरवाजे से अंदर ले आता था। ये क्या बोल रहे? उसको छोड़ो, ये बताओ ये किसने काटा? काटा किसी ने नहीं, वो पार्टी के बाद मिस्टर होला ने इंजेक्शन मार दिया था। कौन सा इंजेक्शन? बेहोशी का। तो पहले क्यों झूठ बोला? मुझे तो उस रात के बाद कुछ याद ही नहीं था, लेकिन पता नहीं अब अचानक मुंह से क्या क्या निकल रहा है। बेटा ये क्या बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं।